के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता बैगाड़ी पर सवार होकर ज्ञापन देने पहुंचे। ये क्या है? आज केंद्र सरकार द्वारा विगत पिछले माह दो तीन माह से डीजल पेट्रोल के भाव 8 से 10 रुपए तक बढ़ा दिए गए, जबकि कच्चे तेल की कीमतों के भाव डाउन है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अनाप शनाप टैक्स लगाकर इससे डीजल पेट्रोल से पूरा बिजनेस, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, देश के हर नागरिक पर उसका बोझ पड़ता है। तो हमारी मांग है कि डीजल पेट्रोल के दाम शीघ्र कम किए जाएं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के चक्कर में 20 लाख करोड़ की झूठी घोषणा की थी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं कि रायसेन जिले में 20 लाख करोड़ में से 20 रुपए भी किसी को मिले हो तो बताएं, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। जी ने एक बार महंगाई के विरोध में चूड़ियां मनमोहन सिंह जी को भेंट की थी, तो आज उनको यही उनका आईना दिखाने के लिए ये चूड़ियां भेंट की गई हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये चूड़ियां भेंट करें, जो अप्रत्याशित वृद्धि कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों में। एक माह में करीब 10 रुपए की वृद्धि हुई है, जो कि आम जनता की कमर तोड़ दी। हर चीज भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से महंगी हो जाती है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता